इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में साम्यावस्था, यानी कि वो कौन सी अवस्था है जहां पे आपका क्या होता है, अभी भी क्लियर होगा आपको। बेसिकली अगर बात करी जाए आपके इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम हर एक इंसान के लिए अलग अलग तरीके से होता है। जो साम्यावस्था होती है तो वो हर एक तरीके से आपकी अलग अलग होती है। तो ये जो साम्यावस्था है बेसिकली आपकी जो अफेक्ट करती है वो तीन लोगों के हितों को अफेक्ट करती है। तीन लोग कौन कौन से हैं पहले देखिएगा भाई, समझ लीजिएगा। आपके अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो पहली बात उसको कौन बनाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोड्यूसर। कौन हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर। तो यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके साम्यावस्था का, ठीक। उसके लिए क्या है पैरामीटर्स इक्विलिब्रियम के। देन आपका वो जो प्रोडक्ट बनाया गया प्रोड्यूसर के द्वारा, उस प्रोडक्ट को यूज कौन कर रहा है, यानी कि आपका कंज्यूमर यूज कर रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आप बोलोगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक ब्रियम, ठीक आ जाइए। देन आपका इन सारी की सारी चीजों का, यानी कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, प्रोड्यूसर द्वारा सप्लाई कितनी ज्यादा ज्यादा की जा रही है, कितनी की जा रही है, उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं किसका इक्विलिब्रियम, आपका मार्केट का इक्विलिब्रियम, ठीक। किसका इक्विलिब्रियम, आपका मार्केट का इक्विलिब्रियम, ठीक। अब अगर इन तीनों चीजों की बात करी जाए तो हम लोग समझेंगे पहले किसके बारे में, आपके कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के बारे में। दो चार क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को इसमें ही आप कवर कर लोगे, अपने आप से समझ लोगे। तो बेसिकली वो चीजें हैं क्या, वो क्वेश्चन है क्या, समझेंगे हम लोग पहले कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है। आप खुद सोचिए, आप एज अ कंज्यूमर, आप लोग अगर ये क्लासेस ले रहे हैं, आपकी खरीद रहे हैं आप ये सारी की सारी, तो आप लोग क्या करते हैं कि कंज्यूमर पहली बात कौन होता है आपका। कंज्यूमर वो इंसान होता है जो आपकी चीजों को क्या करता है, खरीदने के लिए, क्या करने के लिए, अपनी जो डिमांड है, किसी की कोई डिमांड होगी, आप भी जब कोचिंग पढ़ने आए होगे, जो कोचिंग करने आए होगे, आप सोच रहे होगे कोचिंग को हम लोग इनिशिएट करें, स्टार्ट करें, तो हमारा मोटो क्या है कि हमारी एक डिमांड है, हमें SSC का CGL का एग्जाम देना है, हमें CHSL का एग्जाम देना है, हमें CPO का एग्जाम देना है, हमें 10+2 सभी का एग्जाम देना है। इन सारे के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए हमारे पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए। इन कुछ नॉलेज वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो हमारी एक डिमांड क्रिएट हो रही है कि हमारी हमें क्या करना है, हमें एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, तो उसके लिए हमें गाइडेंस की नीड है, हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो आपकी जब डिमांड होती है, उस डिमांड को लेने के लिए जब आपके पास में क्या होता है, पैसा होता है, यानी कि कोई भी कमोडिटी हुई, कोई भी गुड्स हुआ, कोई भी सर्विस हुई, उस गुड्स एंड सर्विस को आपकी जब वांटेड होती है, यानी कि जब डिमांड होती है, तो उन डिमांड को सेटिस्फाई जो इंसान करता है उसको बोलते हैं आपका प्रोड्यूसर। एंड जो इंसान सेटिस्फेक्शन को रिसीव कर रहा होता है, जिसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है, वो होता है कंज्यूमर। तो आप बोलोगे क्या कि बेसिकली आपकी जो कंज्यूमर होता है यही सोचता है क्या हो जाए कि उसकी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में, या आपके जो लिमिटेड आपके जो पैसे होते हैं, जो आपके रेट्स होते हैं, जो प्राइसेस होते हैं किसी भी गुड्स के एंड किसी भी सर्विसेज के, तो उन गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए जो डिमांड होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो पैसा देता है कंज्यूमर, तो उसको बोलते हैं आपका कंज्यूमर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कंज्यूमर कितना प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा क्या कि जब बोलोगे क्या कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेसिकली कि कंज्यूमर की डिमांड को, कंज्यूमर की डिमांड को, डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए आपका जो प्राइसेस दिए होते हैं, उनको कंज्यूमर कंज्यूमर रिसीव करता है, या आपका क्या करता है, ग्रहण करता है, रिसीव, या कंज्यूमर उनको कंज्यूमर पे करता है, ताकि उसकी मैक्सिमम जितनी भी डिमांड है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। बेसिकली आप बोलेंगे कि रियलाइज सेटिस्फेक्शन जो होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी गुड के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, जो कंज्यूमर को, उसी को बोलते हैं आपका क्या, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो आपने बोला गया कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्राइस दिए होते हैं किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, उनको कंज्यूमर जब पे करता है तो जो सेटिस्फेक्शन उसको प्राप्त होता है, तो सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन प्राप्त होना, यानी कि प्राप्त होना ही क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब क्या है, जब ये इक्विलिब्रियम की बात करी जाती है, तो आप ऐसा थोड़ी होते हैं कि आप कितनी यूनिट्स खरीदेंगे। सिंपली कि सपोज करिए कि मैंने ये मार्कर लिया, मेरे पास यही रहता है, तो मैं इसी को एग्जांपल दूंगी कि मैंने ये मार्कर लिया, एंड ये मार्कर मैंने मुझे जरूरत थी, मुझे डिमांड थी, मुझे आप लोगों को पढ़ाना, तो मैंने एक मार्कर लिया, एंड मैंने इसको लिया, एंड मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हुई।
तो आप समझे कि मेरा को मुझे कंज्यूमर्स का मुझे मतलब मैं कंज्यूम कर रही थी, मुझे इक्विलिब्रियम कहीं से भी रिसीव नहीं हुआ क्योंकि मैं इस मार्कर की परफॉर्मेंस से, इसके वर्क से, इसके फंक्शन से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। इवन दो कि मैंने पैसा खर्च करके इसको क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, परचेज कर लिया। कई बार आप लोग क्या करते हैं, चीज़ें खरीद लेते हैं लेकिन चीज़ें खरीदने के बाद में उसका उस तरीके का डिज़ायर्ड आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जिसने आपने सोचा हुआ होता है। चीज़ आपके पास में है लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन आपको रिसीव नहीं हो रहा, तो आपका बोलेंगे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब वो अपनी डिज़ायर्ड चीज़ को, डिमांडेड चीज़ को, जो उसके सेटिस्फेक्शन को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए, कवर कर पाए, उसको पेमेंट देने के बाद में उसी को बोलते हैं कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन। अब क्या होता है, जो आपको सेटिस्फेक्शन है ये आपका दो तरीके से होता है। ऐसे नहीं होता कि आपका कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है, मैं बाकी चीज़ें हटा रही हूँ, आप लोग सेक्शन वाइज क्या करोगे, एक चीज़ को पढ़ाई करोगे, तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम मैं हटा रही हूँ एंड आपका इक्विलिब्रियम का टॉपिक चल रहा है, साम्यावस्था का चल रहा है। आपने देखा कि मार्केट में जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है उसकी बात करी, तो ये जो आपका क्या होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम के साथ में अगर बात करी जाए सेटिस्फेक्शन की, कौन सी बात करी जाए आपकी सेटिस्फेक्शन की, तो ये भी क्या होता है आपका दो तरीके का होता है। एक सेटिस्फेक्शन होता है आपका कैसा, आपका रियलाइज्ड, कि हमने वो चीज़ खरीदी एंड हमें वो सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, रियलाइज्ड हो गया। मैंने एक मार्कर खरीदा, इसने अच्छा वर्क किया, मैंने पैसे दिए, इसका वर्क अच्छा था, तो मुझे वो जो मेरा डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन था वो क्या हो गया, मुझे मिल गया, रिसीव हो गया, तो बोला गया उसको क्या, आपका रियलाइज्ड सेटिस्फेक्शन। ठीक, अब देखिएगा ये जो रियलाइज सेटिस्फेक्शन होता है उसके साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या होता है एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन भी होता है। कौन सा होता है आपका एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। एंड भाषा का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इकोनॉमिक्स में, तो आप थोड़ा सा देखेंगे कि अभी रियलाइज की बात करी थी कि हमने चीज़ खरीदी, वो चीज़ हमें मिल गई और हमने उसका जो सेटिस्फेक्शन था वो ऑब्टेन कर लिया, वो गेन कर लिया, दैट्स इट है। अब बात करी जाती है किसकी, एक्सपेक्टेड की। यहाँ पे चीज़ क्या होती है, हम लोगों ने खरीद ली होती है, क्या कर ली होती है, खरीद ली होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास डिमांड तो होती है कि हमें क्या चाहिए, हमारे पास डिज़ायर तो होती है कि हमें वो चीज़ चाहिए, लेकिन वो चीज़ हमने क्या करी नहीं होती है, खरीदी नहीं होती है। तो आपका क्या होता है, आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि सपोज करिए कि ये मार्कर मैंने खरीदा, मैंने सोचा कि वो मार्कर मैं लूँगी जो मुझे क्या करेगा, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा सा काम करके दिखाएगा, तो मैंने वो मार्कर लिया, लेकिन मैंने अभी खरीदा नहीं है, तो ये मेरी क्या है, मेरी एक्सपेक्टेड डिजायर, मतलब बोलेंगे सेटिस्फेक्शन है कि मुझे एक्सपेक्टेशन मैंने कर लिया कि ये जो मार्कर है वो इस तरीके की परफॉर्मेंस देने वाला, इस तरीके का काम करने वाला है। लेकिन अगर बात करी जाए रियलाइज सेटिस्फेक्शन की, तो वो हम लोग ने क्या कर लिया, खरीद भी लिया। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को खरीद लेते हैं लेकिन उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो हमारा रियलाइज सेटिस्फेक्शन नहीं होता। जब वो हमारा रियलाइज सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाता है, तो हम लोग बोलते हैं हमें क्या हो गया है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब क्या होता है, इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझने के लिए, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को समझने के लिए बोला जाता है कि आपका एक लॉ होता है, बेसिकली आपके दो लॉ होते हैं। लेकिन अगर एसएससी की बात करी जाए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस था और इतना टाइम नहीं था, तो मैंने आपके जो चीज़ें पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको चीज़ों को कंसीडर करके ही मैंने आपको सिलेबस मेंटेन करके रखा है। कि अगर बोला जाए कि आपके जो दो अप्रोचेज होती हैं जिनको फॉलो करके आप कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, उसमें से एक होती है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड जो सेकेंड वाली जो होती है, जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच आपके सिलेबस में नहीं है, आप प्रॉपर कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ जो आपकी लॉ, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये आपके सिलेबस में है एंड आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस भी आते हैं, स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका, मैं इसको हटा रही हूँ कि आपने समझा क्या कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि किसी गिवन प्राइसेस पे या कुछ दिए हुए मुद्रा पे या मूल्यों पे जब आप कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड को, किसी सर्विस को खरीदता है, खरीदने के बाद में उसे सेटिस्फाई होता है, जिसकी डिमांड वो बहुत समय से कर रहा था, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन या इक्विलिब्रियम। अब ये जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है ये सेटिस्फेक्शन पे बेस्ड होता है, जो कि दो तरीके का होता है, एक होता है आपका रियलाइज सेटिस्फेक्शन एंड दूसरा होता है आपका एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। रियलाइज सेटिस्फेक्शन में आप चीज को खरीद लेते हैं, उसको रियलाइज कर लेते हैं, समटाइम्स आप उससे भी रियलाइज नहीं कर पाते हैं। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, जिसमें आप चीज को खरीदते नहीं है लेकिन आप अपने दिमाग में कि मुझे कार लेनी है, जैसे आजकल मेरा दिमाग चल रहा है मुझे एक कार लेनी है, तो मतलब अभी मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरा बजट इतना नहीं कि मैं कार ले लूँ, बट मुझे कार लेनी है, तो मैं सोचती हूँ कि यार ये वाली जो गाड़ी होगी क्या वो मेरी जो डिज़ायर है उसको, कि बढ़िया सी मैं चाहूँ तो वो उसकी विंडो ओपन हो जाए और मैं बाहर निकल आऊँ, मैं मतलब रॉकस्टार बन जाऊँ, तो ये वाली सारी चीज़ें आती हैं, खैर ये अलग चीज़ें हैं। तो आपका बोला गया क्या कि मैं एक्सपेक्टेशन करती हूँ, ये दिमाग में तो मेरी सेटिस्फेक्शन मुझे प्राप्त हो चुकी है, लेकिन जिस दिन ये मेरे घर में आ जाएगी मेरी गाड़ी, तो उस दिन मुझे क्या मिल जाएगी, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अभी क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम को अचीव करने की दो अप्रोचेज हैं, दो पहुँच हैं, दो तरीके हैं।
तो वो अप्रोचेस कौन सी हैं? तो आपने पढ़ा, एक थी आपकी कौन सी, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दूसरी थी आपकी कौन सी, आपकी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। देखिएगा भाई कि लिखोगे आप लोग क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए आपकी क्या होती हैं, दो अप्रोचेस होती हैं या तरीके होते हैं। तो आपकी होती है क्या, पहली होती है आपका द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, एंड ये सारा का सारा मैंने आपको इंग्लिश में ही बताया क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे आप बोलेंगे मैम मुझे पढ़नी नहीं इकोनॉमिक्स, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा, एंड सेकेंड वाला जो होता है उसको बोलते हैं द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। कौन सी, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। बेसिकली ये जो अप्रोच होती है, ठीक, ये जो अप्रोच होती है ये होती है आपके दो प्रोडक्ट्स के केस में, यहाँ पे आपका सिंगल प्रोडक्ट के केस में बात करी जा रही होती है। अब क्या है, देखिए आप हमेशा एक टर्म सुनते रहते हैं यूटिलिटी, ठीक। अब देखिएगा, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपके कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी होता है रिलेटिंग आपका लॉ। तो उसमें जो पहला टर्म है आपका क्या है, आपका यूटिलिटी ही है। तो आप क्या करोगे, आप यूटिलिटी को पहले समझोगे। तो आपका बोला जाता है, क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में भी दिया था कि क्या यूटिलिटी एंड आपका यूजफुलनेस दोनों सिमिलर चीजें हैं, तो नहीं, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूटिलिटी एक अलग चीज होती है, आपका यूजफुलनेस आपकी एक अलग चीज होती है। तो आप बोलोगे क्या कि यूटिलिटी ही वो कंडीशन है जब आपको क्या मिलता है, आपको रिलाय सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड आपका जो यूजफुलनेस होती है ये उससे अलग होती है। यूजफुलनेस है, जरूरी है, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन आपको अचीव नहीं होता। तो आप बोलोगे क्या, यूटिलिटी में या इसमें रियलाइज्ड सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या होता है, रियलाइज सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कब मिलता है, जब आप चीज को क्या कर लेते हैं, खरीदने पर क्या मिलता है आपको, रियलाइज सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऊपर वाला हटा रही हूँ, क्या बोला मैंने कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रिसीव करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपकी दो अप्रोचेज होती हैं, जो आपकी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें आपका जो टर्म है यूटिलिटी उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें मैंने बोला क्या कि जो आपका रियलाइज सेटिस्फेक्शन होता है वही होती है आपकी क्या, यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी को अगर आपने समझ लिया तो आपका टर्म आएगा उसको बोलेंगे आप लोग कौन सा, आपकी टोटल यूटिलिटी। क्या होती है आपकी टोटल यूटिलिटी, देखिए अब अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते, आप लोग टर्म लेते यूजफुलनेस, है ना। तो यूजफुलनेस से क्या होता कि अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, जैसे बेसिक नीड्स हमारी क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। चलिए हम लोग कपड़ों की बात करेंगे, हम लोग मल्टीपल टाइप के या काइंड के आपके कपड़े लेते हैं, और हर एक कपड़े का हर एक इंसान के लिए कुछ अलग अलग लेवल का क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। कोई आप एक कुर्ती लेकर के सेटिस्फाई लड़की हो जाती है, दूसरी लड़की उस कुर्ती से सेटिस्फाई नहीं होती। तो आपकी जो यूटिलिटी होती है, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो हर एक इंसान के यानी पर्सन टू पर्सन चेंज होता चलता जाता है, एंड आपका वो समय समय पर भी चेंज होता है कि आपका उसी समय पे, अभी इस समय मुझे ये मार्कर है, हालांकि ये मेरे लिए यूटिलिटी है, ये मुझे हेल्प करेगा अगर मैं आगे कंटिन्यू करती रहती हूँ, लेकिन एक समय समय की बात है कि मुझको ये वाला मार्कर अच्छा लग रहा है तो मैं इस वाले मार्कर से लिखूंगी, मेरी जगह पे कोई और इंसान होगा उसको मे बी ये वाला मार्कर समझ में नहीं आएगा तो वो ब्लैक मार्कर से नहीं लिखेगा, वो मे बी रेड ले सकता है, ग्रीन ले सकता है, अदर कंपनीज का मार्कर ले सकता है। तो मेरे लिए इस मार्कर की जो यूटिलिटी है वो मुझे मिल रही है, मैं सेटिस्फेक्शन मुझे हो रहा है, रियलाइज सेटिस्फेक्शन हो रहा है, लेकिन इस सेटिस्फेक्शन का या इस मार्कर का प्रयोग मैं समय समय पे करूंगी, यानी कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मे बी मैं कुछ समय के बाद में मैं स्टाइलस का यूज करूंगी, जो डिजिटल मोड पे आपको क्या करता है, पढ़ाता है, जहां पे मुझे इंक डालने की जरूरत नहीं है, मैं मार्कर यूज नहीं करूंगी। तो बोल सकते हैं क्या कि हर एक चीज की समय समय पर इंसान इंसान के आधार पर क्या होती है, अलग अलग यूटिलिटी होती है। और जब ये सारी की सारी यूटिलिटी को हम लोग मेजर करेंगे, कि हम लोग देखेंगे कि हर एक अपनी लाइफ में, कि मैंने मार्कर भी यूज किया, मैंने स्टाइलस भी यूज किया, हम लोगों ने पेन भी यूज किया, हमने चौक भी यूज करी, हम लोग ने बचपन में चौक भी यूज करी है, स्लेट भी यूज करी, तो इन सारी की सारी चीजों को यूज करने के बाद में हम लोगों ने जो हमारा रियलाइज सेटिस्फेक्शन हुआ था उसका जो एग्रीगेट होता है, उसका जो कलेक्शन होता है, उसको आप लोग आपकी बोल देते हैं क्या, आपकी टोटल यूटिलिटी। तो बोला गया क्या कि जितनी भी आपकी क्या होती है, आपकी किसी भी प्रोडक्ट की जितनी भी बोला जाए एग्रीगेट होता है उसको आप लोग बोलोगे क्या, आपकी टोटल यूटिलिटी। तो आप बोलोगे क्या कि आपकी एग्रीगेट ऑफ ऑल यूटिलिटी क्या होता है, आपका टोटल यूटिलिटी होती है। अगर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
किससे मिलेगी, कंजम्पशन से मिलेगी जब हम कंज्यूम कर लेंगे, जब कंज्यूम कर लेंगे तब टोटल यूटिलिटी को अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोग बोलेंगे क्या, आपकी टोटल यूटिलिटी किसकी, किसी भी एक प्रोडक्ट की, तो आप मे भी उसको आप बोल सकते हो टोटल यूटिलिटी ऑफ किसकी, आपकी एन टर्म नंबर की कितनी भी हो सकती है वो, ठीक, किसी भी एक प्रोडक्ट की एन नंबर जो क्वांटिटीज हम लोग ने क्या करेंगे यूटिलाइज करी है, तो आप लोग बोलोगे क्या कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू यूनिट एंड आपकी सो ऑन, आपकी कहाँ तक जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट तक जाएगी, तो सबका क्या हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। तो आपने बोला क्या कि टोटल यूटिलिटी जो होती है वो एग्रीगेट होती है ऑफ ऑल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग या आफ्टर गेटिंग द रियलाइज्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट या दैट गुड और सर्विस। ठीक, आपने बोला कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी हुई वो क्या हुई, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेसिकली ये जो लॉ है कौन सा, आपका द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कुछ अलग ही है और कुछ अलग तरीके से आपको कुछ अलग अलग चीज़ें बोलता है। तो आपने पढ़ी क्या, आपने पढ़ा यूटिलिटी के बारे में, आपने पढ़ा टोटल यूटिलिटी के बारे में, अभी आपको पढ़ना है कौन सा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, तो आपको इसको भी समझना है। तो समझेंगे किसके बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। देखिए भाई ये क्या होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, तो जब आप बात करते हैं किसकी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की, तो बेसिकली आपकी क्या होती है कि आपने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम करी होती, बोला जाता है कंजम्पशन किया होता है जितनी भी यूनिट्स का, अगर उसकी एक और यूनिट को आप लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, एक और यूनिट को ऐड कर दें, तो जो आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है उसको आप लोग बोलते हो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, या यूटिलाइजेशन होता है आपको वो होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर आप इसको क्या बोलोगे, अगर इसको आप एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, तो जैसे कि हम लोग पहले भी कर चुके थे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स, आप बोलोगे किसका, प्रोडक्ट एक्स का, तो आपकी लिखोगे क्या, आप लिखोगे चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स, यानी कि कोई एक्स प्रोडक्ट है उसकी जो टोटल यूटिलिटी है इसमें जो भी परिवर्तन हुआ वो आपका आ जाएगा, एंड अपॉन आप लोग करोगे चेंज इन यूनिट, यानी कि क्या आपकी यूनिट में जो भी चेंज आएगा, अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के बाद अब आएगा हमारा कौन सा लॉ, हमारा आएगा द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको समझिएगा लॉ ऑफ, तो इसका एक शेड्यूल भी है मार्जिनल, इसको भी समझना है यूटिलिटी को। ठीक, देखिएगा भाई क्या है ये लॉ, इसमें क्या बोलता है। देखिए होता क्या है कि जैसे मैं बहुत सिंपल सी बात बोलूँ, अगर ये अपनी डेली लाइफ में देखें तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। ये है क्वेश्चन, सिंपल सी बात है कि आप जब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, ठीक, सपोज करिए कि आपने आपकी एक ही कुर्ती को या आपने उसी तरीके की मल्टीपल कुर्तीज को आपने बहुत टाइम आपने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, तो एक ऐसा समय आता है कि जब आपकी जो आपका जो मतलब जो मन होता है वो भर जाता है, एंड आपकी जो यूटिलिटी होती है वो उससे कोई भी नहीं होती, वो ज़ीरो हो जाती है, यानी कि आपका बोलोगे क्या कि आपका बोलते हैं क्या, जैसे जैसे आपकी जो मार्जिनल जैसे जैसे कि आपकी क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट की जो टोटल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या करती जाती है, वो फॉल करती जाती है, वो नीचे गिरती चली जाती है। और इसको समझने के लिए आप लोग क्या करोगे, एक कर्व बनाओगे। आपने लिखा क्या, एग्रीगेट ऑफ टोटल यूटिलिटी होता है, एग्रीगेट ऑफ ऑल यूटिलिटी होता है आपका क्या, टोटल यूटिलिटी, जिसको आप लोग एक्सप्रेस करते हो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूनिट ऑफ वन टू थ्री एंड सो ऑन, आपकी टिल एन तक मार्जिनल यूटिलिटी। देन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, आपकी चेंज इन टोटल यूटिलिटी होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ आपका क्या, चेंज इन आपकी यूनिट्स। ठीक, अगर आप पढ़ रहे हो द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ऊपर लिख देंगे आपका लॉ है, तो आप बनाओगे क्या, शेड्यूल, क्या बनाओगे आप, शेड्यूल ऑफ द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और सिंपल सी चीज है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, शेड्यूल बनाना है। अगर आप एक चार्ट बना लोगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपने क्या करना है। तो आपने लिखोगे क्या, यहाँ पे आप लिखोगे क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स आपका प्रोडक्ट है, आपका एक्स का नाम है क्या, क्वांटिटी ऑफ एक्स हो जाएगी। देन उसके साथ में आपका क्या हो जाएगा, आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एंड उसके साथ में आपकी क्या हो जाएगी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। ठीक, अब देखिएगा होता क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी हुआ था अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स हुआ था,
स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते थे, हम लोग उस यूनिट की, उस कमोडिटी की हम लोग कोई भी यूनिट यूज नहीं करते, तो हमने बोला उसकी क्या थी क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी जीरो थी। जब आपकी क्वांटिटी ऑफ नंबर जीरो थी तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी कैसे होगी, आपकी जीरो होगी। एंड आपकी मार्जिनल यूटिलिटी को तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हम चेंज ही नहीं निकाल पा रहे। लेकिन जैसे ही क्वांटिटी ऑफ यूनिट एक्स क्या हुई, आपकी एक हो गई, यानी कि अब आप किसी भी प्रोडक्ट की एक यूनिट खरीदने लगे हैं, तो जैसे आपने प्रोडक्ट की एक यूनिट खरीदे तो उसने आपकी लेवल 8 तक के क्या करी, यूटिलिटी आपकी सेटिस्फाई कर दी। यानी कि आप एक ही ऑब्जेक्ट से या एक ही चीज से आप कितनी सारी अपनी डिजायर्स को कंप्लीट कर रहे हो। तो आपने बोला क्या आपकी 8 लेवल तक की थी, तो जब आपने 8 देखा तो आपने देखा कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि चेंज तो हुआ नहीं है ना आपकी टोटल यूटिलिटी में हुआ है, ना ही आपके किस में हुआ, आपकी क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ एक्स में हुआ है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी आपकी हो जाएगी। बेसिकली आप बोलोगे कितनी, 8 माइनस 0, क्योंकि आपका क्या है, आपका चेंज बिल्कुल नहीं है, तो आप लिखोगे कितनी, 8, या इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे 8 माइनस आपका क्या 0, ऊपर वाली 0 है, ऊपर वाले को आप बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देते हो। अब क्या हुआ, आपकी जो यूटिलिटी थी वो 1 से कितनी हो गई, आपकी 2 हो गई। 2 होने के बाद में आपकी जो टोटल यूटिलिटी हुई वो कितनी हो गई, 14 हो गई। 14 होने पर आपने देखा क्या, आप 14 माइनस 8 करोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 हो गई आपकी क्या, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। एंड अगर इसको आप आगे कंटिन्यू करते जाओगे तो आपका क्या बनेगा, 1-2 से आपका पूरा 8 तक है। तो स्पेस थोड़ा सा कम लेंगे हम लोग, इसको मैं हटा रही हूँ, ऊपर से कर देती हूँ, तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को आप एक ही बार में समझ लोगे, बार बार लिखने का टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक, तो 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक, आपको दिखेगा, विजिबल रहेगा। और यहाँ तक का कर लेते हैं कि आपकी ये 0 थी, ये आपका डैश था, यहाँ पे आपकी 8 थी, और यहाँ पे आपकी क्या थी, आपकी 8 थी, यानी कि आपका 8 माइनस 0 करने पे। ठीक, ऊपर आए तो आपका क्या हो गई, आपकी यहाँ पे 2 यूनिट पे आपकी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 14 हो गई थी, तो आपकी ये हो गई आपकी 6, यानी कि आपका 14 माइनस 8। आप खुद देखेंगे कि आपका क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जब आपकी यूटिलिटी हो रही है, जो चेंज हो रही है 3 के बाद में, आपका ये 24 के बाद में, मैं एक साथ में डिजिट सारी लिख रही हूँ, आपकी 19 हो गई, आपकी 23 26 के बाद में 28 29 और 29। ठीक, चलिए भाई, फिर आपका क्या है, समझ में आ रहा होगा कि आपने क्या किया, ऊपर वाले को नीचे से माइनस करना है, यानी कि 19 माइनस 14 करना है, तो अभी आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, यानी कि 19 माइनस 14, देन आपका 23 में से 5 गया, 19 गया, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी 4 3 2 1, 4 3 2 1 एंड 0, मिनिमाइज ही होगी आपकी। बेसिकली 6 थी, फिर 5 थी, तो बेसिकली आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, देखो समझ में आएगा। देखिए बोलते हैं क्या कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट की यूनिट्स को बढ़ाते चले जाते हो, उसको यूटिलाइज करते चले जाते हो, आपने पहले 1 खरीदा, फिर 2 खरीदा, फिर 3 खरीदा, फिर 4 खरीदा, तो आपकी जो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी थी वो क्या होती आती है, वो मैक्सिमम होती आती है। और जब आपकी टोटल यूटिलिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, शून्य हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया SSC में कि आपकी जब आपकी टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है, आपकी मैक्सिमम होती है, आपकी नेगेटिव होती है, आपकी पॉजिटिव होती है, आपकी शून्य होती है, कितनी होती है, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका अर्थ यही होता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विस को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हो, आपके मैक्सिमम लेवल तक यूज़ करने लगते हो, तो आपका उससे मन भर जाता है, तब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, वो फॉल करने लगती है, वो डिक्लाइन करती रहती है। लेकिन जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। और यही कहता है आपका क्या, द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो आपका लॉ है द मार्जिनल यूटिलिटी, वो यही स्टेट करता है कि जैसे जैसे आपकी बोलेंगे क्या कि आपकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है, मैक्सिमम होती चली जाती है, तो एक ऐसा समय आता है जब आप उस प्रोडक्ट का एक भी जो यूनिट होती है उसको कंज्यूम करना नहीं चाहते, क्योंकि आप इससे ओवर रियलाइज, ओवर यूटिलाइज कर लिया आपने क्या उस प्रोडक्ट को, उस कमोडिटी को, है ना। तो आपका क्या हो गया था, आपका ये हुआ था। अब अभी क्या है, आप इसका कर्व पूछा जाएगा, तो इसका एक कर्व कैसे बनता है, तो बेसिकली क्या करेंगे, क्वांटिटी वाला जो सेक्शन है इसको हटाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी आपकी सिमिलर ही है। अगर आप कर्व देखेंगे तो बेसिकली आपका कुछ इस तरीके से आपका क्या बनता है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जीरो, जो एक्स है या ओ एक्स है, इस साइड में आपकी क्या है, आपकी क्वांटिटी है, आपकी क्या है, आपकी क्वांटिटी है ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एंड इधर आपकी क्या है, आपकी टोटल यूटिलिटी है ऑफ प्रोडक्ट एक्स की। तो आपकी जीरो से स्टार्ट हुई थी, एंड जीरो से स्टार्ट होने के बाद में आपका एक पॉइंट ऐसा आता है, ये क्लियर नहीं आ रहा है इसमें, देखिएगा भाई, आपका एक पॉइंट ऐसा आता है कि
कि आपकी जीरो से शुरू होने वाली जो आपकी यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम पे अचीव करती है, मैक्सिमम के बाद में वो क्या करती है, तुरंत फॉल करती है। तो आपकी क्या होती है, जो टोटल यूटिलिटी थी वो यहाँ पे कैसी हो गई थी, मैक्सिमम हो गई थी, एंड आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कैसी हो गई, आपकी फॉल करना उसने स्टार्ट कर दी। तो आप बोलोगे कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो जाती है, एंड ये समझने वाली चीज से आपने समझ ली एंड आपने लिख ली। अभी क्या है, हम लोग पहुंचेंगे प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव पे, कि वो क्या होती है कंडीशन जब आपका जो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा या मैंने इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लिया है। ठीक, तो इसको हटा रहे हैं, समझ में आया होगा सभी को, होपफुली समझ में आया होगा। चलिए अभी करते हैं क्या, ओके देखिए करते हैं क्या, आपका आया टॉपिक इंडिफरेंस कर्व अप्रोच आपको नहीं पढ़नी। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की एक ही यूनिट थी, एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में आपके पास दो केस स्टडी होती है, आपके दो अलग अलग टॉपिक अलग अलग किसमें, आपके प्रोडक्ट में, कि आपका जो एक ही अलग मतलब एक ही प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज है वो दूसरा प्रोडक्ट भी क्या कर पा रहा है, आपको सेटिस्फाई कर पा रहा है, आपको दे पा रहा है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो वो आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच था, उसे क्वेश्चन नहीं आते, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे। एंड आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है क्या, आपने देखा था क्या कि जब आपका कस्टमर की बात करी जाती है तो वो गिवन प्राइसेस पे आपका जब क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को खरीद लेता है, किसी गुड्स को सर्विस को खरीद लेता है, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन होता है प्राप्त, जिसको आप रियलाइज सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, वो होता है आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ऑन सर्टेन आपका प्राइस। ठीक, अगर बात करी जाए प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की, उसको कब प्राप्त होगा, अगर सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें कि जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर आपका वो होता है कि जो प्रोड्यूस करता है आपके लिए कमोडिटी, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, और उसको ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये प्राप्त होता है कब, जब उसका जो टोटल रेवेन्यू होता है, क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है ये आपका इक्वल हो जाता है किससे, आपकी टोटल कॉस्ट से, किससे हो जाता है आपका टोटल कॉस्ट से। यानी कि बेसिकली आप इक्विलिब्रियम उसको कब बोलोगे कि जितना पैसा उसने लगाया था किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए, टोटल कॉस्ट जो उसने इन्वॉल्व करी थी, जब वो टोटल कॉस्ट आपकी किसके, आपके टोटल रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है, तो बोलते हैं कि प्रोड्यूसर को क्या प्राप्त हो गया, इक्विलिब्रियम, कि उसको लॉस तो नहीं हुआ है, एटलीस्ट उसको क्या हो गया, आपका प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, या फिर ये कंडीशन होती है। ठीक, ये बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं इसको क्या कि नॉर्मली आप टोटल कॉस्ट इसको नहीं लिखेंगे, आप बोलेंगे क्या कि अगर आप बात करेंगे किसकी, प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट किस कब होता है किसी भी प्रोड्यूसर को, वो प्रॉफिट होता है जब आपका टोटल रेवेन्यू में से आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो किसको, आपकी टोटल कॉस्ट को, और जब आपका प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है तब वहां पे क्या होता है, जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, मेरी मिस्टेक सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, आपकी मार्जिनल कॉस्ट के। यहाँ पे एम जो है वो क्या है, आपका मार्जिनल है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, कल आप लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो चेंज होता है आपके टोटल रेवेन्यू में अपॉन आपका क्या होता है, टोटल जो आउटपुट होता है जो आपको सोल्ड करने के बाद प्राप्त होता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से आपका मार्जिनल कॉस्ट भी था कि एक एडिशनल यूनिट को बनाने में, टोटल यूनिट में से आपकी जब एक एडिशनल यूनिट को बनाते हैं, आप सिंपली बोलोगे चेंज इन टोटल यूनिट या टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आपका प्राइस रियलाइज, या बोलेंगे जो आपकी कोर कमोडिटी को बना लेते हैं। तो आपने बोला क्या यहाँ पे, आपकी मार्जिनल कॉस्ट, एक ये कंडीशन है जो आपसे पूछी जाएगी किसमें, आपके प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम में, कि जब मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है जो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल में हो जाता है, बराबर में हो जाता है, यानी कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन आपका क्या, यूनिट सोल्ड, और आपका क्या होता है, यूनिट बाय हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है जब वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल में हो जाता है, तो आप बोलोगे क्या हो गया है, प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम प्राप्त हो गया है। अब ये तो हुई एक कंडीशन प्राप्त करने के लिए, जो सेकंड कंडीशन होती है जो आपसे पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में, वो क्या होती है कि बोला जाएगा क्या उसमें, ये है कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है कैसा है, जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू का जो स्लोप होता है वो आपका हमेशा से छोटा बनना चाहिए किससे, आपके मार्जिनल कॉस्ट के स्लोप से, किससे, मार्जिनल कॉस्ट स्लोप से। ठीक, तब आपका बोला जाएगा कि आपको क्या होगा, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। अच्छा है क्या, अभी आपने पढ़ना है प्रॉफिट के बारे में, सुपरनेचुरल प्रॉफिट के बारे में, इन सारी की सारी चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे आएंगे, थोड़ा सा ही टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनके बेसिस पे आप समझ लेंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस आप कर लेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या करते हैं, हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ साथ में आपका हुआ है कौन सा, आपका बेसिकली आपका प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम हुआ है, एंड बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपने प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पढ़ा है, एंड इसमें कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी कर्व नहीं पूछा था, तो कर्व आपने नहीं पढ़ने हैं। एंड इसके बाद में है आपका कौन सा, आपका मार्केट का इक्विलिब्रियम, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, लेकिन कल पढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व पढ़ेंगे करेंगे, एंड देन आप क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। चलिए अभी एंड करते हैं क्लास को, बाय।